हाय सो आज हमारे साथ आगना है। बाय द वे ये पूरे शूट में ये मॉडल की तरह रहने वाले हैं, और अगर आपको इनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करना हो तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला है, यू कैन चेक इट आउट। आज हमारा जो ये वीडियो है ये खास है कि आप 2-point लाइटिंग मतलब मास्टर लाइटिंग कैसे कर सकते। ऑलरेडी हम लोग ने बेसिक लाइटिंग, एडवांस लाइटिंग ये दोनों के ट्यूटोरियल्स डाल दिए हैं, पर ये वाला जो वीडियो है वो खास मास्टर लाइटिंग वीडियो है। यहाँ पे हम लोग 2 लाइटिंग के साथ कैसे अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। और अगर आपको ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट देखना है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, लाइक करो, शेयर करो एंड हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे रील्स डाले हुए हैं, बहुत सारा नॉलेज हम लोग डे टू डे एवरी सिंगल डे अपलोड करते हैं, डू चेक इट आउट। और अगर आपको डिटेल में ये पूरा सब कुछ जानना हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए आप इस नंबर पर रजिस्टर करवा सकते हो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो अभी हमारे पास गोडोक्स की LC500R है, ठीक है, ये एक लाइट है। एंड एट द सेम टाइम ऐसी ही लाइट पे मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, आई होप आपने वो चेकआउट किया हो। उसमें मैंने ये लाइट कैसे वर्क करती है उसके बारे में समझाया था, पर अभी हम लोग ऐसी ही और एक लाइट लेके आए। हमारे पास LC500R की 2 लाइट्स हैं, 2 वीडियो लाइट्स हैं। यही वीडियो लाइट्स आप फोटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हो और सिनेमाटोग्राफी में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मुझे आपको समझाना हो तो मुझे ये सारी लाइट्स ऑफ कर देनी पड़ेगी। अभी हम लोग पूरे अंधेरे रूम में हैं और मैंने यहाँ पे ये वाली एक लाइट ऑन कर दी है। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप देखोगे तो अभी लाइट थोड़ी सी गोल्डन है, पर जैसे ही मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करती हूँ ये पूरी की पूरी लाइट वाइट और थोड़ा सा ब्लूइश टोन में चली जाती है। हमें चाहिए कि हमारा थोड़ा स्किन टोन रहे, इसीलिए मैं इसको 5000 केल्विन पे रख रही हूँ। देखो यहाँ पे गोल्ड और वाइट दोनों का मिक्सचर है जो स्किन के लिए परफेक्ट लाइट है अकॉर्डिंग टू मी। आप आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पे लाइटिंग सेटअप कर सकते हो। पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि सबसे बेसिक पहली मास्टर लाइटिंग क्या हो सकती है। आप आगे थोड़ा देखिए, यहाँ पे आगे सामने देखो, ठीक है। जैसे ये सामने देख रहे हैं हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए समझाना कि कैसे आप लाइट सेटअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये लाइट को 45 डिग्री पे रख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बैंडोर्स दिए हैं, सी बैंडोर्स देख सकते हो। बैंडोर क्या काम करता है अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बैंडोर्स खोल दिए हैं। बैंडोर्स खोलने से क्या होता है कि पीछे का जो हमारी लाइट होती है यहाँ पे भी फॉल आ रही है, राइट, सिर्फ चेहरे के ऊपर नहीं यहाँ पीछे भी लाइट आ रही है। और इसीलिए हम लोग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैंडोर्स दिए हैं। जैसे ही आप ये लाइट को देखो, मैंने बैंडोर में बंद कर रही हूँ, पीछे की जो लाइट है, बैकग्राउंड की जो लाइट है वो कम होती नज़र आ रही है। देखिए मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, सब्जेक्ट के फेस पर डाल रही हूँ और पीछे की जो लाइट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही है। आप बैंडोर्स की मदद से लाइट को एक डायरेक्शन जैसा मानो दे सकते हो। देखिए मैंने इनके फेस पे अभी मैं एक डायरेक्शन दे पा रही हूँ, राइट, तो मैंने अच्छा खासा डायरेक्शन दिया। लाइट को पीछे स्पिल ना हो जाए, स्पिल मतलब गिरना, ये जो लाइट है पीछे बैकग्राउंड पे स्पिल ना हो इसीलिए मैंने बैंडोर की मदद से इसको कंट्रोल किया है। और यहाँ पे फेस के ऊपर बहुत ही अच्छी खासी अमेजिंग लाइट आ रही है। आप बोलोगे कि इसको मैं स्टूडियो लाइट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ या मैं हैलोजन भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे ये लाइट लेने की क्या ज़रूरत है। एलईडी लाइट गर्म नहीं होती है, समझ रहे हो, एलईडी लाइट गर्म नहीं होती है। चेहरे को अभी आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, आँखों में बहुत लाइट आ रही है, कुछ भी तकलीफ हो रही है, गर्मी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये एकदम ही सॉफ्ट हल्का ठंडा सा लाइट होता है, जैसे हमारी ट्यूबलाइट होती है। इसकी वजह से सब्जेक्ट को कोई तकलीफ नहीं होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये वाली जो लाइट है इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स और भी दिए गए हैं, जैसे कि कलर जेल्स यूज़ करना, अलग अलग कलर्स की इसमें से लाइट आना, साथ ही साथ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लाइटिंग की शार्पनेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके रिजल्ट्स आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगे। क्यों मैं इसको प्रेफर करती हूँ वेडिंग शूट्स में, फैशन शूट्स में, इसका आपको पूरा अंदाज़ा आ जाएगा। जस्ट गिव मी सम टाइम। और यहाँ पे जैसे ही लाइट चेहरे के ऊपर आ रही है, मैंने अभी आपको समझाया कि ये एक 45 डिग्री लाइट है।
45 डिग्री लाइट का मतलब होता है, आपको उसके लिए एडवांस लाइटिंग वीडियो और बेसिक लाइटिंग वीडियो चेकआउट कर लेना चाहिए। 45 डिग्री क्या है बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया है। अभी इस वीडियो के लिए अगर मुझे आपको समझाना हो तो सब्जेक्ट के अगर सामने अगर लाइट डाल देते हो तो उसको 0 डिग्री बोलते हैं, सब्जेक्ट के साइड में मतलब यहाँ पे अगर मैं लाइट डाल दूँ तो उसको 90 डिग्री बोला जाता है, और 0 और 90 डिग्री के बीच में आता है 45 डिग्री। और 45 डिग्री चेहरा एकदम ही ब्राइट भी नहीं होता और पूरा का पूरा डार्क भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आधा चेहरा डार्क दिख रहा है आधा चेहरा ब्राइट दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राइट है और यहाँ से थोड़ा सा डार्क है, जिसकी वजह से चेहरा एकदम ही 3D की तरह बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो चेहरा एकदम ही फ्लैट दिख रहा है, पूरा का पूरा फोटो एकदम ही ओकेश लग रहा है। ये एक लाइटिंग के हिसाब से चेहरा बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। सिंगल पॉइंट वन पॉइंट लाइटिंग अच्छी तो लगती है ही, पर ये कोई एडवांस लाइटिंग है। मैं जो आज आपको सिखाने वाली हूँ वो है मास्टर लाइटिंग। मास्टर लाइटिंग में हम लोग 2 लाइट से काम करने वाले हैं एज आई मेंशन्ड, और इसीलिए मैं यहाँ पे और एक लाइटिंग लेके आ रही हूँ। और ये वाली जो लाइट है इसको मैं अभी ऑन कर रही हूँ। जैसा ही मैं इसको ऑन कर रही हूँ देखो मैं इसके डोर्स को कंट्रोल कर पा रही हूँ। वाइट लाइट को मैं थोड़ा सा गोल्ड कलर दे रही हूँ और आप देख सकते हो कितना ही सुंदर लाइटिंग यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जब मैं बात करूँ इस वाले लाइटिंग की तो ये है 135 डिग्री पे, मतलब अगर मैं सब्जेक्ट के पीछे लाइट रख दूँ तो इसको बोला जाता है 180 डिग्री, और जैसे ही मैं सब्जेक्ट के यहाँ रख दूँ इसको बोला जाता है 135 डिग्री, जो सीधा बालों पे गिरनी चाहिए ना ही कि उनके नाक के ऊपर। काफ़ी लोग बहुत सारे लोग एक्चुअली ऐसे लाइट सेटअप करते हैं। देखो ये जो लाइट है वो उनके नाक के ऊपर आ रही है जो गलत है। आपको हेयर लाइट को हेयर तक ही रखना चाहिए, इसको सिर्फ सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से कट करने के लिए बनाई गई है, इसीलिए आपको ये लाइट वहाँ तक नहीं रखनी चाहिए, नाक तक नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो ये डोर से आप कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के जो बाल है वो पीछे काला बैकग्राउंड होने के बावजूद सब्जेक्ट के बाल और बैकग्राउंड कट होके बाहर आ रहे हैं। सब्जेक्ट का चेहरा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाल कट होके बाहर आ रहा है और एकदम परफेक्ट फोटोग्राफ हो गया है। मैं इसके आपको कुछ सैम्पल्स खींच के दिखा रही हूँ और इनको कुछ पोजेस करवाते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया आए कि इसमें क्या अमेजिंग चीज़ है। स्माइल। ये वाले हाथ को ऐसे रख के नीचे देखो। हाँ लुक टूवर्ड्स मी। स्माइल। अगर मैं अपने अपने कैमरा सेटिंग्स की बात करूँ तो मैंने अपना जो मोड है वो AV मोड पे रखा है, ISO 1600 पे रखा है, एंड मैंने एक्सपोजर कंपनसेशन जहाँ पे भी मुझे ओवर एक्सपोजर आ रहा है वहाँ पे मैंने एक्सपोजर कंपनसेशन किया है। अगर मैं ये जो बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ तो मैंने कैमरा सेटिंग्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। वेरी नाइस। आगे हम लोग बढ़ेंगे जहाँ पे हम इसी कलर्स को कुछ चेंज करेंगे। कलर्स शिफ्ट करने के वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाइटिंग में ऐसी फीचर्स है जहाँ पे आप कलर शिफ्ट कर सकते हो। लेट्स सी कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये जो लाइट है उसमें वो लोग ने रिमोट दिया है तो मैं यहाँ पे रेड कलर शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन था, यहाँ पे ये रेड कलर की उनकी रिम लाइट कर डालते हैं। अभी तक वाइट लाइट थी, अभी हम लोग ने रेड लाइट की है। आप सामने देखिए, सामने सामने ओके। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनके बालों के ऊपर रेड लाइट आ रही है और चेहरे के ऊपर वाइट लाइट आ रही है। जो थोड़ा सा बॉडी ऐसे कीजिए ओके। इसके साथ कुछ फोटोज़ खींचते हैं। पैर के ऊपर पैर रखा है, उस पर दोनों हाथ ऐसे करके रखो। नाइस स्वीट। थोड़ा ऊपर देखो लाइट के सामने। हाँ लिप्स ऑफ करिए, लिप्स ऑफ। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लाइटिंग आ रही है जहाँ पे बाल रेड लग रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसी को ऐसा मैं सेटअप कर सकती हूँ चाहे कि ऐसा लगता है जैसे कि वो डिस्को में कहीं पे गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं वार्म लाइट, पीछे रेड लाइट है, और यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूँ लाइट को, समझ लीजिए येल्लो के ऊपर, यहाँ पे मैंने वार्म के सामने वार्म रखा है। यूजुअली लोग कूल के सामने कूल रखते हैं पर मैंने यहाँ पे वार्म के सामने वार्म रखा है जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट कि कैसा लग रहा है। और बहुत ही प्यारा ये भी लग सकता है, वहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई सनबर्न में हम लोग गए हो।
और ये फोटो बहुत ही येलो स्टोन लग रहा है। तो अगर आप ऐसी टाइप की फैशन फोटोग्राफी करना चाहो जहाँ पे आप कलर्स के साथ कुछ खेलना चाहो तो अभी आप खेल सकते हो। यहाँ पे मैंने वॉर्म टू वॉर्म सेटअप किया है, राइट। इसी के सामने अगर आप दोनों हाथ ऐसे कर सकते हो, थोड़े से बाल ऐसे, हाँ, वहाँ पे देखो लाइट के सामने हम क्रॉस मा जो, यस, और ये वाला हाथ ऐसे वहाँ पे ये वाला हाथ जाने दो, नीचे जाने दो, हाँ पकड़ के पर नीचे जाने दो, और वहाँ पे देख। सो अभी हम लोग दूसरी लाइटिंग सेटअप की ओर बढ़ रहे हैं, और ये जो दूसरी लाइटिंग सेटअप है वो भी दो लाइट के साथ है, पर पहली लाइट को कैसे सेटअप करते हैं इसके लिए सारी लाइट्स हम लोग स्विच ऑफ करेंगे। अभी देखिए हम एक अंधेरे रूम में हैं और मैंने लाइट करो शुभम को जो मेरा अभी असिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने उसको बोला है कि जो लाइट है वो हाथ में ले लो। हाथ में लेने का कारण ये है, आप सामने देखो ओके, ये जो लाइट है हम लोग इस लाइट को ऐसे प्लेस करेंगे ऊपर से। अभी तक ये लाइट यहाँ पे थी, अभी हम लोग ये लाइट को 0 डिग्री पे लेके आएंगे, लाइट को ऐसे शिफ्ट करेंगे, इसका थोड़ा सा डायरेक्शन बैंड डोर से कंट्रोल करेंगे, और चाहो तो आप ऐसे भी कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। देखो लाइट ट्रैवल कहते हैं इसे, सी, एक बोनस लाइटिंग टेक्निक है जो पार सिनेमाटोग्राफी में बहुत यूज़ करता है ना शुभम, बहुत यूज़ करता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखो ऐसे ही एक लाइट यहाँ से ऊपर से डालेंगे, इसमें इस लाइट को बोला जाता है ब्यूटी लाइट या फिर क्लैम शेल लाइटिंग। अगर आप देखोगे तो इनके नाक के नीचे शेडो आ रहा है, नाक के नीचे इस लाइट का शेडो आ रहा है, और ये लाइट कुछ ऐसी है इसकी वजह से, और यहाँ पे चिन के नीचे, नाक के नीचे शेडो आने की वजह से इनका चेहरा बहुत ही ग्लोइंग और खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये जो ऊपर से लाइट जब आप देते हो तो चेहरा हमेशा अच्छा दिखता है, क्योंकि इसको ब्यूटी लाइट कहा जाता है। अभी ये हो गई हमारी मेन लाइट, पहली लाइट जो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ये बात अलग है कि अभी शुभम को पूरे शूट के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। और ये जो दूसरी लाइट है वो हम लोग इनके बालों को हाईलाइट करने के लिए, पहले हम लोग ने यहाँ से लाइट दी थी, अभी हम लोग लाइट यहाँ से देंगे। और ये जो लाइट है वो अब इनके पीछे रखेंगे। अभी देखो सब्जेक्ट के एकदम पीछे से लाइट आ रही है, और यहाँ से ये जो लाइट है, यहाँ से पीछे से लाइट आने की वजह से उनके बाल इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर से लाइट दे दो, देखो ये कितना ही अमेजिंग लाइटिंग सेटअप है जहाँ पे पीछे से लाइट आ रही है। अभी हम लोगों ने एक लाइट को ऊपर रख दिया है, थोड़ा सा लाइट और पीछे जाने दो शुभम, ये वाले बाल भी और पीछे ले लो। और यहाँ से अगर हम लोग कुछ विंड जैसा डालें तो ये सारे हाईलाइटेड बाल जो है और अच्छे दिखेंगे। आप देख सकते हो इसको हम लोग रिम लाइट बोलते हैं, रिम की तरह आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको रिम लाइट बोलते हैं। देखो हम लोग ने अभी यहाँ पे ब्लोअर लगाया है, यहाँ पे जो है इनके साथ जो इनके फ्रेंड आया है ये ब्लोअर का काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनके नेक के ऊपर ब्लो आना चाहिए, उनके बालों के ऊपर नहीं। काफ़ी लोग जो है डायरेक्ट जो ब्लोअर होता है या फ़ैन होता है वो चेहरे के ऊपर डाल देते हैं, जिनकी वजह से वो देख भी नहीं पाते। ब्लोअर जो है उनके गले के ऊपर जाना चाहिए, जिसकी वजह से उनके जो बाल है वो उड़ने लगेंगे। थोड़ा एक पैर आगे, आप आगे आओ, हाँ नाइस, थोड़ा फेस नीचे करो, फेस नीचे थोड़ा ऐसे, थोड़ा नीचे देखो, नीचे क्रॉस में लाइट की तरफ ऊपर, थोड़ा नीचे 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 देखो नीचे, हाँ नाइस, थोड़ा और आगे स्लाइटली आ गया, हाँ अभी आपने बैक लाइटिंग देखी, रिम लाइटिंग देखी, अभी इसी में हम लोग कलर का वेरिएशन करके कुछ पिक्चर्स लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको वाइट रहने देते हैं और पीछे हम लोग उसको ब्लू करेंगे, शुभम अभी उसी लाइट को हम लोग ब्लू करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे रात का शॉट लिया गया है, ठीक है।
अभी यहाँ पे ये जो लाइट है इसको हम लोग थोड़ा सा गोल्ड टोन देंगे, हाथ नीचे, हाँ मजी नीचे कर लो, हाँ ना हाँ। तो अभी हम लोग तीसरी लाइटिंग सेटअप की ओर बढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट लाइटिंग। स्प्लिट लाइटिंग का मतलब ये होता है, उसके लिए मुझे लाइट्स को ऑफ करना पड़ेगा, लाइट्स ऑफ तो हो गई है। अभी हम लोग पहली लाइट को ऑन कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसे सेटअप करना है। ये वाली जो लाइट है अभी हम लोग ने इनको सामने दे दी, ये बैक लाइट नहीं है ना ही तो फ्रंट लाइट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट लाइट, मतलब आधा चेहरा लाइट में है और आधा चेहरा डार्क है। एग्जैक्टली सब्जेक्ट के सामने इसको रखना है, स्पिल ना हो इसके लिए उसको कंट्रोल करना है। अभी आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट का आधा चेहरा ब्राइट और आधा चेहरा डार्क, देखो लाइट वहाँ पे रखी, लाइट यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है, आधा चेहरा ब्राइट दिख रहा है और आधा चेहरा डार्क दिख रहा है। ये एकदम ही अमेजिंग लाइटिंग है, पर अभी इसमें अगर मुझे और लाइटिंग कुछ करना हो, अभी हम लोग यहाँ पे दूसरी लाइटिंग रख रहे हैं जो बैकग्राउंड के ऊपर आएगी, ठीक है, और बैकग्राउंड को लाइटिंग हम लोग देंगे। बैकग्राउंड में हम लोग एक ग्रेडियंट जैसा एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो यहाँ पे ऐसे आएगा सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर, और जो ये दूसरी लाइट है वो चेहरे के ऊपर स्प्लिट होके आएगी। लाइट के सामने थोड़ा सा और थोड़ा देखिए वहाँ पर उस तरफ कितनी सुंदर पीछे से बैकग्राउंड लाइट आ रही है, और उनके चेहरे के ऊपर भी अच्छी खासी जो एक इफ़ेक्ट होती है स्प्लिट लाइटिंग की, वो भी बहुत अच्छे से आ रही है। आपका ये जो हाथ है उसको ऐसे रखो, वो वाला हाथ, और अब वहाँ पे देखो थोड़ा और, वहाँ पे देखो और थोड़ा, वहाँ पे देखो स्लाइटली, थोड़ा ऐसे टॉप कर दो अपना चेहरा जो है ना थोड़ा, हाँ उस तरफ थोड़ा सा। हर पिक्चर में पीछे का बैकग्राउंड लाइट कितना अमेजिंग लग रहा है, साथ ही साथ जो चेहरा है उनका वो भी कितना अच्छे से इल्यूमिनेट हो रहा है, कितना वंडरफुल और क्रिएटिव लाइटिंग लग रहा है। सिर्फ ये दो लाइटिंग की मदद से मैंने ये सेटअप को अरेंज किया है। आप देख सकते हो स्प्लिट लाइटिंग की जो फोटोग्राफ्स है कितनी अमेजिंग और कितनी प्यारी आ रही है। ऐसे ही आप बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग पोजेस इसमें करवा सकते हो जो काफ़ी हद तक फैशन शूट जैसा लगता है, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। आप थोड़ा सा इसमें ऐसा करोगे, ऐसे करके कुछ थोड़ा सा चेहरा ऐसे स्लाइटली इस तरफ स्लाइटली नॉर्मल स्माइल, टीथ ऑफ कर ना, हाँ टीथ ऑफ कर, आईज क्लोज। दो लाइट को दो जन के ऊपर स्प्लिट लाइटिंग करके कैसे फोटोग्राफी कर सकते हो वो करना सीखेंगे। ये हम लोग बहुत सारे कपल्स के ऊपर शूट करते हैं तब ये लाइटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हर फंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी फैशन शूट्स में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये लाइटिंग टेक्निक भी अच्छी लगे। खुशी और आगना दोनों जन बहनें हैं, ठीक है, और हम लोग इनकी कुछ अच्छी खासी बहनों वाली फ़ोटोज़ लेंगे। आप यहाँ पर आगे आ जाओ यहाँ पर, और आप ऐसे गोल घूम जाओ और उस तरफ टर्न हो जाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे इनके चेहरे के ऊपर मैं फर्स्ट लाइटिंग सेटअप कर रही हूँ। ये रहा फर्स्ट लाइटिंग सेटअप जो इनके चेहरे के ऊपर आ रहा है, और मैं दूसरा लाइटिंग सेटअप कर रही हूँ इनके चेहरे के ऊपर। अभी आप देख सकते हो कि ये जो मेन लाइट है इनके चेहरे के ऊपर वो यहाँ पे हेयर लाइट की तरह काम करेगी, और ये जो मेन लाइट है इनके चेहरे के ऊपर वो इनके हेयर लाइट की तरह काम करेगी। दोनों जन थोड़ा सा और चिपको स्लाइटली, हाँ थोड़ा और लाइट की तरफ देखो, यस। अभी आई विल शो यू सम फोटोज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। अमेजिंग पिक्चर्स, स्माइल, खुशी आप उनके और पास में जाओ, थोड़ा बहनों वाला थोड़ा वाइब क्रिएट करो, यस नाइस है। उनको यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ऊपर, हाँ यस, और वहाँ पे देखो, नाइस स्माइल। आप देख सकते हो
कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है। लाइट वहीं पे थी, एक लाइट यहाँ पे थी, दूसरी लाइट यहाँ पे थी। बस ऐसा था कि एक बार वो यहाँ पे देख रहे थे तो कभी ये यहाँ पे देख रहे थे तो कभी दोनों जन एक तरफ देख रहे थे, जिसके वजह से पोजिंग में वेरिएशंस आ रहे थे और लाइट कितनी खूबसूरत लग रही थी। अभी की मेन लाइट कभी कट लाइट बन जाती थी, कट लाइट कभी मेन लाइट बन जाती थी, अपने आप ही ये वेरिएशन हो रहा था। ये बहुत ही सुंदर लाइटिंग टेक्निक है अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो। अभी ये एक RGB लाइट है, राइट, इसमें कलर्स के होने की वजह से, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कलर्स की वजह से कितने इंटरेस्टिंग फोटोज़ इसी लाइटिंग सेटअप में। मैं कुछ नहीं हिला रही हूँ, मैं आमने सामने बस ये दो लाइट लग रही हूँ, बीच में ये दोनों जन होंगे, पर यही कलर्स की लाइट से कितने इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आएंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं पिंक लाइट ले रही हूँ, मैजेंटा पिंक, ठीक है। अब आप वैसे ही खड़े रह जाओ जैसे अभी खड़े थे। वीडियो में ये लाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और पार्थ हमारा अभी शूटिंग कर रहा है और वो आपको दिखाएगा कि इसमें वीडियो क्लिप्स कितनी ब्यूटीफुल बनती है। लेट मी शो यू समथिंग। अभी हम लोग ऐसी लाइटिंग में फ़ोटोज़ ले रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। थोड़ा सा और मेरे सामने देखो दोनों जन, और थोड़ा दोनों जन मेरे सामने देखो, खुशी थोड़ा ऐसे टर्न हो जाओ, पीछे जाओ, थोड़ा लाइट के सामने देखो, थोड़ा ऐसे, आइज क्लोज, आइज क्लोज। आप देख सकते हो कितने ही इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ हम लोग को अभी यहाँ पे मिले हैं। अभी हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं, जो है कि आपको इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, ये बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, है ना, है ना। एंड साथ ही साथ आपको अगर हमको ये सारा चीज़ें डिटेल में सीखनी है, आप हमारा बेसिक फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हो, एडवांस फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हो, सब कुछ उसमें डिटेल में समझाया गया है। एंड आप ये दोनों खूबसूरत महिलाओं के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स है उसको आप फॉलो कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।